हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जायका तस्नीम का। मैं हूं आपकी दोस्त शेफ तस्नीम और आज की रेसिपी है मालपुआ की रेसिपी। ये रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि मैंने यहां पे गुड़ यूज़ किया हुआ है बनाने के लिए। तो चलिए फिर बनाते हैं, शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैं एक कप गुड़ लूँगी, उसके अंदर एक कप पानी डालूँगी और इन दोनों को मैं गैस के ऊपर मीडियम फ्लेम में उसको अच्छे से बॉईल होने दूंगी, जब तक कि जो हमारा जो गुड़ है वो सारा पिघल नहीं जाता। देखिए अभी धीरे धीरे हमारा जो गुड़ है वो पिघल रहा है, अच्छे से उबाला भी आ गया है। तो इस स्टेज पे मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको मैं ठंडा होने के लिए एक कप में स्ट्रेन कर दूंगी। हमको इसे स्ट्रेन करना है क्योंकि हम जो सारा जो इम्प्योरिटीज़ है गुड़ का वो निकल जाएगा उसके लिए। अब ये पानी को बिल्कुल ठंडा होने देना है, गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, इसको हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैं एक दूसरी जगह एक बोल में मैं एक डेढ़ कप मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैदा भी ले सकते हैं। फिर उसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून सौंफ डालूँगी और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। फिर जो हमारा जो पानी जो ठंडा हो चुका है गुड़ का पानी, वो मैं धीरे धीरे डाल के उसको मैं मिक्स करूँगी। ध्यान रखिए इसमें पानी गर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो गुठलियाँ बन जाएंगी आटे की और आटा बहुत टाइट हो जाएगा। तो धीरे धीरे पानी डालना है गुड़ का और इसको हमें मिक्स करते जाना है। एक साथ भी नहीं डालना है क्योंकि अगर फिर एक साथ डालेंगे तो कम ज़्यादा का हमको अंदाज़ा नहीं रहेगा इसके लिए। तो देखिए हमने मिक्स कर दिया है, अभी पूरा एक कप जो मैंने पानी किया था वो पूरा यूज़ हुआ है। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप मिल्क डालूँगी, वो भी पूरा नहीं डालना है, धीरे धीरे डालना है, जितना हमें ज़रूरत लगे उस हिसाब से। मुझे 1/2 कप यूज़ हुआ था तो इसके लिए मैंने 1/2 कप डाला हुआ। अब अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि जो हमारी जो गुठलियाँ हैं गेहूँ के आटे की वो पूरी गुठलियाँ टूट जानी चाहिए। अच्छे से इसको हमें चमचे से बीट करना। देखिए अब ये कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अब इस स्टेज पे मैं उसको साइड में रख दूँगी 1 से 2 घंटे के लिए, आप इमीडिएट भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक अंडा डालूँगी ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो और ये मालपुआ हमारा टूटे नहीं। जो वेजिटेरियंस हैं उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तभी भी आपका मालपुआ बहुत ही अच्छा बनेगा। और याद रखना ये जो अंडा है वो हम पहले नहीं डालना है, जब हम फ्राई कर रहे हैं बस ठीक उसी से पहले हमें अंडा डालना है। अब मैं पैन में तेल गरम कर रही हूँ और मीडियम फ्लेम पे उसको मैं फ्राई करूँगी। देखिए मैंने एक जो लैडल है वो लैडल में मैंने बैटर लिया है और मैंने उसको डाल के अच्छे से अब मैं स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो इवनली स्प्रेड हो जाए। अब इसको मुझे दोनों तरफ से तलना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक। मालपुआ बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बचपन की याद आ जाती है जब भी हम ये खाते हैं। ये चाय टाइम के लिए सबसे सही है, नाश्ते के लिए भी सबसे सही रेसिपी है और इसमें मैंने गुड़ डाला हुआ है, आटा लिया हुआ है, तो बहुत ही हेल्थी है। आप बच्चों को भी खिला सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा मालपुआ रेडी है सर्व करने के लिए, दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। इसे आप दूध की मलाई के साथ या रबड़ी के साथ, कंडेंस्ड मिल्क के साथ या फ्रेश क्रीम के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा। या आप सिंपल सा नाश्ते में आप चाय के साथ भी खाइए, ये भी बहुत मज़ा आएगा तभी भी। अब इसके ऊपर मैं कुछ ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर ये नहीं डालना है कम्प्लीटली ऑप्शनल है, स्किप कर देना। आप खसखस भी डालेंगे तो बहुत ही अच्छा मज़े का टेस्ट आएगा। ज़रूर से ट्राई करना दोस्तों ये रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन हिट करना ना भूलिएगा फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा
कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी, ज़रूर से ट्राई करना क्योंकि ये गुड़ वाली रेसिपी है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।